आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, हम लोग करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग देखिए बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है तो वो टाइमिंग का है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं, लेकिन आपको अगर पैटर्न पता नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, लगातार एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसमें बस यही समझिए कि मैं आपको बस सारा पैटर्न दिखाऊंगा, ताकि आप क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, ताकि आपका कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, मैं इसमें हर तरह के पैटर्न को समझाऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छा अच्छा मतलब क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ताकि आपको इसमें कर दे, उसके बाद प्रीवियस लगाइए, आपका जो है थोड़ा देखने का नजरिया जो होगा थोड़ा उसमें वाइड हो जाएगा, आप मतलब अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे, आपको मतलब देख के सब पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, और इसमें हम लोग एनोलॉजी क्लासिफिकेशन भी करेंगे, इसमें एक ये टॉपिक भी है वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले। पहला बात, टाइप ऑफ कोडिंग, किस किस तरह के कोडिंग होते हैं, पर आपको ये समझना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कोडिंग में देखेंगे लेटर कोडिंग, लेटर मतलब ए बी सी डी या फिर कोई भी लेटर दिया होगा उसको कोड किया जाएगा, तो उस तरह के कोडिंग को भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे नंबर कोडिंग, उसके बाद देखेंगे मिक्स्ड कोडिंग, नंबर और लेटर दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, उस केस में कोडिंग कैसे करना है वो भी देखेंगे, और मैट्रिक्स में देखेंगे नॉन वर्बल और वर्बल दोनों तरह का रीजनिंग, इसमें भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर और एनालॉजी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, आपको पता है लेटर कोडिंग से। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं, पहले बहुत इजी पैटर्न शुरू करके इसका अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, लेटर कोडिंग सबसे पहले देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपको कि हैंड का क्या होता है ये हो जाता है, तो आपको बताना सील का क्या लिखा जाए, आपके पास चार ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम ऐसा नहीं रहेगा, हाँ ऐसे इस तरह से दिया रहेगा कि हैंड को इस तरह से कोड किया गया, तो आपको बताना है कि सील को किस तरह से कोड किया जाएगा, आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं, हम लोग क्या करना रहता है, जो आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको देखना रहता है कि ऑप्शन में से किस तरह से कोड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, आप देखिए एच है और एच के बाद क्या आता है, आई यानी एक जोड़ा गया है। फिर देखिए ध्यान से देखेंगे, ए है, ए के बाद बी आता है यानी एक जोड़ा गया है, एन के बाद क्या आता है, एन एम एन ओ यानी एन के बाद यहाँ भी एक जोड़ा गया, डी के बाद ई आता है यानी सब में एक जोड़ा गया, तो आप जो अपने आंसर में करेंगे वहां भी क्या करते जाएंगे, एक ऐड करते जाएंगे। ठीक है, एक ऐड करते हैं, एस में वन जोड़ेंगे तो टी, आई में वन जोड़ेंगे तो जे, एल में वन जोड़ेंगे तो जे के एल, एल उसके एल के बाद एम, और के में करेंगे तो एल, कोई दिक्कत, आप समझ रहे हैं इसको किस तरह मैंने कोड किया, कुछ नहीं सिंपल, जो जो पैटर्न यहाँ फॉलो किया गया उसी पैटर्न को आपके आंसर में भी फॉलो करना है। देखिए यहाँ जैसे वन 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 सब ऐड हुआ, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको क्वेश्चन में वन वन ही ऐड रहेगा, टू टू भी ऐड कर सकता है, थ्री थ्री भी ऐड किया जा सकता है, कोई दिक्कत, या फिर ऐसा भी किया जा सकता है इसमें वन इसमें टू इसमें थ्री इसमें फोर, या फिर इसमें वन टू वन टू, कुछ भी किया जा सकता है, जो पैटर्न यहाँ फॉलो होगा सेम पैटर्न आपको यहाँ भी फॉलो करवाना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, एफ देखिए, एफ से आई तक जाने के लिए कितना ऐड किया गया होगा, थ्री, आपको पता है एफ के बाद क्या आता है जी एच आई, यानी क्या करना होगा इसमें, मतलब कि यहाँ पे हमेशा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एफ के बाद जी, जी के बाद एच, यहाँ थ्री ऐड किया जा रहा है, तो अगला में देखिए ध्यान से, इसके बाद अगले में देखेंगे, अगले में यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी थ्री ऐड किया जा रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देंगे तो यहाँ वन ऐड किया जा रहा है, यू के बाद भी वन, ध्यान से देखेंगे, यहाँ जरूरी है कि आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखते हैं वन थ्री थ्री ऐड हो रहा है, उसके जल्दी से आंसर करने की जगह में सब में थ्री में ऐड कर, नहीं देखना है थोड़ा सा अपना, इतना भी टाइम नहीं जाएगा आपको, बहुत स्पीड में एक बार देख लेना। एस के बाद क्या होगा, एस टी, एस के बाद आर के बाद क्या आता है एस, यानी इसमें वन ऐड हुआ, यानी यहाँ थ्री थ्री और वन वन ऐड हुआ, तो आपको भी इसमें थ्री ऐड करना होगा, पहला हम थ्री, जब एन में थ्री ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा क्यू, कोई दिक्कत, यहाँ पे थ्री ऐड करेंगे तो आई में थ्री ऐड करेंगे तो आ जाएगा ट्वेल्व, यानी ट्वेल्व पे आता है एल, और इसमें अगर उसके बाद इसमें क्या करना है ऐड, यहाँ इसके हिसाब से वन, तो अभी यहाँ वन ऐड करेंगे तो एन के बाद ओ आता है, और ई में वन करेंगे तो एफ आता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा क्यू एल एफ, क्या आएगा आंसर क्यू एल एफ, आई होप समझ में आएगा आपको। लेटर कोडिंग में सिंपल पैटर्न, सिंपल पैटर्न किसको बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको एक ऑर्डर के नाम से जाना था, मैं आपको इसके लिए कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ताकि आपके दिमाग में बस पैटर्न का नाम आएगा, वो आपको नहीं देखना, क्वेश्चन देखना अटेम्प्ट कर देना, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि एक लेटर के सामने वाले लेटर में आंसर करना रहता है, कोई दिक्कत आपको वो देख के पता चल जाए, जैसे यहाँ पर मैंने देखा तो आसानी से पता चल गया थ्री थ्री ऐड हो रहा है, उसके दोनों वन ऐड हो रहा है, तो वैसे ही कर लेना। आगे बढ़ते अगले पैटर्न की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करेंगे ये पैटर्न पे है हो रहा है सर। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, पहले यहाँ पे अगर हम पहले सिंपल जो है वो लॉजिक लगाएंगे, क्या फॉरवर्ड हो रहा है एच एस आई, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ तीन माइनस हो रहा है, यहाँ भी यहाँ तो कुछ और ज्यादा अजीब हो गया,
यहाँ करेंगे तो बहुत ज्यादा अजीब हो रहा था, यानी ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो ठीक लग रहा है कि -3 कम से कम ऐड रहा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी बड़ा गैप है, जो -+14 का, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा बड़ा गैप पे क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता, तो ध्यान से देखेंगे ये किसी और पैटर्न पे डिसाइड होगा। तो देखते हैं कैसे। इसमें जो पैटर्न यूज किया गया उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब इस लेटर को देखो और यहाँ वाले लेटर को, एस के बाद क्या था आपका I+1, डी के बाद क्या था E+1, ए के बाद क्या था B, कोई दिक्कत, और एन के बाद O, यानी क्रॉस। इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न, या इसको कॉर्नर कॉर्नर में। ये आपको क्वेश्चन बना के बनाते, आपके पास दो चार क्वेश्चन, मैं सिर्फ मैंने क्या बोला आपको टाइप डिस्कस करो, आप खुद ब खुद इसको अच्छे से करने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आपने देखा कुछ नहीं कहा मैं, अब बोले भैया यहाँ पे 1 ऐड हुआ क्या, हमेशा 1 ऐड नहीं, 1 ऐड भी हो सकता है, 2 ऐड भी हो सकता है, 3 भी, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लेकिन यहाँ ध्यान देना, जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है आंख मूंद के यहाँ पे भी वही पैटर्न लगाना। सब में आपने क्या देखा 1 1 ऐड हो रहा, तो आप पी यहाँ 1 ऐड करिए, यहाँ से एस में 1 ऐड करेंगे तो टी, के में 1 ऐड करेंगे जे के एल, कोई दिक्कत, आई में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जे, और एल में करेंगे एल एम, तो यही आपका आंसर आ गया LMJT, LMJT, बहुत सिंपल है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि कैसे देखना है, हमेशा ये फॉरवर्ड पैटर्न की ये ध्यान में लगाना कि हमेशा सामने से ही तो कुछ है ना। इसमें क्या मैंने क्यों करवाया, क्योंकि अगर आप दिमाग लगाते रहेंगे तो हमेशा सामने सोचेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट है। जल्दी से देख लेना, अरे इतना बड़ा गैप नहीं हो सकता जो कोई और पैटर्न का इस्तेमाल किया गया होगा, कोई दिक्कत। और आप समझ पा रहे हैं तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को पैटर्न को ध्यान से। आप देखिए डी, डी के बाद हो सकता है सिंपल है, ए के बाद क्या है जी आ गया, यहाँ तो 0 ऐड हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ ध्यान देंगे तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, 14 से यहाँ आना 9 माइनस करना, तो समझ में आ गया कि ये गलत जा रहा है, इस डायरेक्शन में सोचना नहीं है। अब आते हैं जो अभी काम हमने किया वही काम करके देखते हैं। डी के बाद एफ, बिल्कुल 2 ऐड हो सकता है, सही जा रहा है। आर के बाद यहाँ आ रहा है डी, जो कि थोड़ा अजीब ऑकवर्ड लग रहा है, यहाँ आर के बाद डी तक आने के लिए बहुत ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, तब कॉर्नर वाला लगाएंगे कि सिमेट्रिकल वाला भी हो सकता है, या फिर तो हम लोग दो दो का पेयर लगा लेते, क्या कर लेते, दो दो का पेयर। यहाँ ध्यान से देखिए डी है, डी के बाद क्या आ गया आपका जी, डी में कितना ऐड करेंगे जी आ जाएगा 3। अभी आप बोल सकते भैया ये आपने ये वाला क्यों लिया, ऐसे वाला क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे का कारण मैंने बता दिया कि ये कॉर्नर कॉर्नर डायगनली क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत बड़ा गैप आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, और इतना अजीब पैटर्न भी हो गया नहीं। 3 वाला क्यों नहीं लिया भैया, 3 वाला लेने का रीजन ये है कि यहाँ पे तो मैच हो रहा है लेकिन यहाँ पे अजीब है। अब आते हैं ये दो दो करके लेते हैं, तो यहाँ क्या हुआ +3, अब इसको मिलाएंगे तो इसमें भी +3, कोई दिक्कत, यानी डी में 3 जोड़ रहे हैं तो जी आ रहा है, और ए में 3 जोड़ रहा है तो डी आ रहा है, कोई दिक्कत। फिर इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो यहाँ 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ करेंगे तो 2 ऐड हो रहा है, यानी ऐसे कॉर्नर 2 ऐड है, फिर यहाँ से आएंगे 1 ऐड हो रहा है, और यहाँ करेंगे तो 1 ऐड हो रहा है। ध्यान देखा आपने कैसे पैटर्न को फॉलो किया गया, यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर 3 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 2, यहाँ 1 1, तो यहाँ भी हमें वही करना होगा, यहाँ से इसमें क्या करना होगा 3 ऐड करना होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये पी है, पी के बाद क्या था क्यू आर एस, क्या आएगा एस, यहाँ से इसमें भी 3 ऐड करना होगा, ये 15 है 18 आएगा, 18 का मतलब क्या होता है आर, कोई दिक्कत। अब आते इसको यहाँ पे 2 ऐड करना होगा, यहाँ पे 2 ऐड करना, बी में 2 ऐड करेंगे तो बी सी डी, डी आ जाएगा, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एन जे के एल सर एम एन, कोई दिक्कत, यहाँ 2, यहाँ जो पैटर्न यहाँ यहाँ 3 ऐड हुआ था तो मैंने इस दोनों में 3 3, यहाँ 2 ऐड हुआ तो यहाँ भी 2 2 ऐड किया। अब आते 1 1 ऐड होगा, तो आई के बाद क्या आएगा जे, और यहाँ सी के बाद क्या आएगा डी। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि कैसे फॉलो करना है, जल्दी में कैसे करना है वो ध्यान देना। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आपको दिमाग में हाँ ये पैटर्न भी हो सकता है, तो आपको इसी हिसाब से करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था, आपको बस याद होना चाहिए वो एक्चुअल में ये अपोजिट लेटर है, तभी आपसे सही हो पाएगा। ठीक है, पहला बात ये सबसे बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रॉब्लम रहती की है कि क्या होता है कि इसको याद ही नहीं कर पाते, क्या करने कर पाते हैं, और इसको याद करने का कोशिश करना भी नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद करने की जरूरत, मैं इसका बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ। पहले आपको ये पता होगा कि ए का अपोजिट जेड होता है, आपने कहीं बचपन में पढ़ा ही होगा, और उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि बी का अपोजिट वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, एक बार में आप मैं पूछूंगा एस का अपोजिट तो आप तुरंत बता देंगे एस होगा, और टी का अपोजिट मैं जैसे ही पूछूंगा तो आप जी बता देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तब आपको क्या करना है, उस केस में आपको समझ, आपको क्या करना है, ए आपको पता 26 लेटर होते हैं तो आपको 13 ऐसे होंगे और 13 ऐसे होंगे, तो
आपको क्या करना है, एबीसीडी से एम तक ऊपर लिख देना और एन को यहां से लिखते हुए इधर आना है, ए से लिखते हुए एम तक उधर जाना है और एन से लिखते हुए इधर आना है, कोई दिक्कत? और मैं सबसे अच्छा यही बताऊं कि आप इसको थोड़ा देर के लिए देख ले, सबसे आसान तो वही होगा कि आप उसको थोड़ा देर के लिए देखेंगे इस तरीके से, तो आपको याद हो जाएगा कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। इसका कोई ट्रिक भी है, मैं आपको वो करवा के आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, बहुत फालतू है वो ट्रिक, ट्रिक से कुछ होता नहीं, आपके लिए क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि उसको भी याद रखिए और उससे रिलेटेड चीज को भी याद रखना, ठीक है? तो यहाँ देख लीजिए आप डायरेक्ट ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन होता है, कोई दिक्कत? और इसको याद करने का तरीका यही है कि ए का जेड तो सबको याद आता है, बी का ऐसे याद रखे बाय, सी का सिक्स, सिक्स से याद आएगा सी और एक्स, डी का ड्यू, डी और डब्ल्यू, ई का इवनिंग, एफ का फोर, एफ और यू, जी टी, उसके बाद हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, आई आर ऐसे याद रखा था, जे क्यू का मतलब जंगल फील, के पी का मतलब कानपुर, के और पी अपोजिट हो गया, और एल ओ और एम एन आपको बस याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आपने देख लिया, अब आते हैं क्वेश्चन में इसका क्या इस्तेमाल है, उसको देखना बहुत जरूरी है। आपके पास एग्जाम में क्या दे दिया जाएगा, सेम तरह से कोडिंग दिया जाएगा और आपको सोचना होगा, अब दिमाग लगाएंगे के के बाद पी आया तो आप कुछ ऐड करने के बारे में सोचेंगे, इलेवन और फाइव सिक्स, यहाँ देखेंगे तो ये सिक्स ऐड हुआ लेकिन यहाँ पे तो नाइन ऐड हो रहा है, यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है, और यहाँ करेंगे तो कुछ ज्यादा ही ओवर तेरह हो रहा है, ये मतलब पता चल गया कि ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, और आप इसमें बहुत सारा दिमाग वेस्ट करेंगे, कॉर्नर वाला पैटर्न लगाएंगे, बहुत सारा कुछ करेंगे लेकिन कुछ होगा नहीं। अगर आपको ये बात एट दैट पॉइंट याद रहेगा कि ये देखिए अपोजिट है के पी, अभी जो तो मैंने के का अपोजिट क्या होता है पी, देखिए के का अपोजिट पी, देखते साथ के का अपोजिट पी, आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट क्या है यहाँ देख सकते हैं आर, यहाँ आई का अपोजिट आर, यानी एम, एन का अपोजिट एम दिया हुआ है और जी का अपोजिट टी दिया हुआ है, हमें अपोजिट लेना है, आई का आर का अपोजिट आई, अभी तो देखा के का अपोजिट आपको पता है जेड, और यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है आई, आई का अपोजिट आर और एल का अपोजिट, एल का अपोजिट आपने अभी क्या पढ़ा था ये था ओ, देख लेते हैं एल का अपोजिट ओ, सब कुछ देखा आपने, बस तुरंत कर देना आइए आपका आंसर आ गया। ये आपको कब होगा जब आपको क्या पता हो कि कौन सा लेटर का अपोजिट लेटर कौन सा होता है, कोई दिक्कत? अब आते इससे एक और पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, फाइंड ऑड, ऑड कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे जान, यहाँ दिया हुआ के पी, के सी, जी पी और एच एस, आप अगर आपको याद होगा कि के पी क्या है एक दूसरे का अपोजिट है, जी टी क्या है जी और टी एक दूसरे का अपोजिट है, एच हाई स्कूल यानी एच एस भी एक दूसरे का अपोजिट, लेकिन के और सी एक यहाँ पे कोई इन सब में किसी का अपोजिट है नहीं, ये एक ऑकवर्ड पेयर है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये दोनों पैटर्न समझे होंगे कैसे अपोजिट लेटर से क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत सारे बनते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें फॉरवर्ड पैटर्न के बनते, ये आपको क्रॉस में भी दे देगा लेकिन वहां पे क्या रहेगा कुछ ऐड करके नहीं डायरेक्ट अपोजिट दे दिया जाएगा। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारा आपको इसमें आसानी होगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब ये पैटर्न को भी ध्यान से देखेंगे, ये पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको बार बार समझा कोडिंग रिपेयरिंग एक हार्ड चैप्टर नहीं है, बिल्कुल भी बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी हो सकता है, आपको अगर ये पता नहीं रहेगा तो आप दिन भर मैं आप क्या बता रहा हूँ आप अपना होल डे भी बर्बाद कर देंगे एक क्वेश्चन के ऊपर, आपको लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं, और होगा भी तो आप कोई भी अजीब सा पैटर्न लगा के करने की कोशिश करेंगे, इसमें आपका टाइम सबसे बड़ा है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है टाइमिंग, क्या चीज की बात हो रहा है टाइमिंग, अगर आप टाइम के अंदर बना लेते हैं तो आपको डीन कोडिंग अच्छा से जानते हैं, अगर नहीं टाइम के अंदर बहुत सारा टाइम लेके बनाते हैं तो आपके यहाँ पर समझे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपने इसको सीखा नहीं, ध्यान से देखते हैं इसमें क्या किया गया, मदर, मदर को लिख दिया गया है एस आर ई एच टी ओ एम, अब आप क्या सोचेंगे कि कोडिंग रिकॉर्डिंग देखिए ध्यान से एम में कितना ऐड करेंगे जो एस आपको पहला लगा सही तो चल रहा है सिक्स, दूसरा ओ में कितना ऐड करेंगे जो आर आ जाएगा बोलेगा थ्री, ये भी ठीक लग रहा है, अब टी में कितना ऐड करेंगे जो ई आएगा, तो अब यहाँ पे आपको देख रहा है बहुत बड़ा गैप बन गया, यहाँ से देखिए एच टी और ई के बीच में 50 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से समझ में आ गया कि ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं होने वाला, समझाया मैंने आपको क्या बोला, इसको ऐसे कोड किया गया तो इसका आंसर बताना था, एम को तो ठीक लग रहा था सिक्स एड, लेकिन जब इसको किया तो थ्री एड, ये भी ठीक लग रहा था, लेकिन जब यहाँ की बात आई तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन बन गया, यानी ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ये वाला पैटर्न फेल हो गया, तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें कौन सा पैटर्न को फॉलो किया गया, कुछ नहीं आप ध्यान से अगर देखते तो भी समझ जाते कि यहाँ पे एम ओ टी एच ई आर एस है और यहाँ पे एस आर ई एच टी ओ एम है, यानी कुछ नहीं किया गया यहाँ, इसको या इस तरफ से लिखने की जगह इसको उल्टा कर दिया गया, यानी एस आगे फिर आर फिर ई फिर एच फिर टी फिर ओ फिर एन, सिंपल है इस तरफ से इसको लिख दिया गया सिंपल, तो अब हम भी वही करेंगे,
इसका ऑप्शन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, इस चीज को हमें आगे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा TH GTH GUORB। आई होप आप समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है, इसको पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें क्या करना था, पोजीशन के हिसाब से इसको मिक्स किया जाता है। कोई दिक्कत अगर आपको समझ में आना है तो ठीक है, आगे करते हैं। एक और पोजीशन जरूरी है कि पूरी तरह से इसको पैटर्न को पलटा ही जाए। यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। यहाँ क्या ह्यूमिडिटी लिखा हुआ और ह्यूमिडिटी को इस तरीके से कोड किया गया है। क्या ऐसा कोई एडिट हो रहा है? नहीं, देख रहे बहुत बड़ा बड़ा गैप बन रहा है। और आप अगर ध्यान से भी देखेंगे तो यहाँ एच आ गया, यहाँ यू आ गया, यहाँ हो क्या रहा है उस बात को समझते हैं। यहाँ क्या किया जा रहा है, दो दो नंबर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, इस दो नंबर को ऐसे करके पलट दिया गया, फिर इस दो नंबर को ऐसे पलट दिया गया, फिर इस दो नंबर को पलट दिया गया, फिर इस दो नंबर को पलट दिया गया, समझ रहे? यानी एच यू है तो यहाँ यू एच लिखा गया, एम आई है तो यहाँ आई एम लिखा गया, यहाँ डी आई है तो आई डी लिखा गया, और यहाँ टी वाई है तो यहाँ वाई टी लिखा गया। हम भी वही करेंगे, दो 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 का पेयर बना देंगे, यानी ओपी और आई एल को लिखेंगे आई एल, और यहाँ पे टी आई है तो हम लोग क्या लिखेंगे आई टी, सी एस है तो एस सी लिखेंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप समझे होंगे आप कैसे करना है, बहुत इजी है। इसको पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन कर दे, जब आप कुछ पैटर्न को देखेंगे और आपको समझ आएगा ऐसा नहीं हो रहा तो आपको समझ जाना कि ये वाला पैटर्न को यूज करना है। कोई दिक्कत, आई होप आप समझ रहे हैं। पोजीशन इसमें बहुत सारा पोजीशन बेस्ड हो सकता है कि इसमें फोर फोर को पलट दिया जाए, यानी समझ रहे हैं, इस फोर को लास्ट में, इस फोर को फर्स्ट में, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत, ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको इसी बात को हम लोग ध्यान से देखें। अब आते हैं एक अगले पैटर्न के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका एक लास्ट पैटर्न आज की, मतलब इसमें लेटर टॉपिक वाला में, जो लेटर पैटर्न में ये लास्ट होगा, इसके बाद वाला। ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया, फिजिक्स को लिखा गया है सी एच आई पी एस एस वाई, और हिस्ट्री को आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। कोई दिक्कत, क्लियर है? आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहले आपको लगेगा कि कुछ ऐड करके देखते हैं, पी के बाद सीधा जाने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, -30। कोई बात नहीं, बड़ा माइनस होता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब जगह भी तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा गैप बना है, यानी ये फॉरवर्ड पैटर्न पे तो है नहीं, प्लस माइनस करने से तो आएगा नहीं। आप देखिए क्या अपोजिट है, नहीं पी का अपोजिट तो भैया के होना चाहिए, और पी का अपोजिट यहाँ भी तो नहीं है, कि ये वाला पैटर्न भी नहीं हो रहा है, यानी कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे, ये भी नहीं हुआ। क्या पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, पोजीशन पे कुछ किया गया, यहाँ पे पी एच ऐसा पूरा पलटा भी नहीं गया, हाफ हाफ करके भी नहीं पलटा गया, पी को कहीं बीच में रखा गया, तो ऐसा हो सकता है फोर को यहाँ से पलटा हो, फिर यहाँ से देखते हैं ध्यान से, तो देख से देखेंगे तो ये भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, यानी अब आप समझना होगा इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, कुछ भी, बहुत सिंपल है। आपने एबीसीडी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है, एबीसीडी में आपको लेटर का पता होता है कि ऑर्डर होता है, ये पहले आता है फिर बी सी डी जाता है, तो यहाँ भी कुछ नहीं किया गया है। जो यहाँ पे आपको लेटर दिया गया उसमें जो लेटर एबीसीडी में पहले आता है उसको पहले, और जो बाद में आता है उसको बाद में लिख दिया गया। जैसे यहाँ सब इस सब में से सबसे पहले क्या आएगा सी, तो सी को मैंने पहले लिखा, इसके बाद क्या आएगा, इस सब में सबसे उसके बाद कौन आएगा एच, क्योंकि एच का नंबर 8 होता है, एच उसका एच के बाद आई आएगा, क्योंकि आई 9 पे आता है, इसके बाद इस सब में कौन आता है तो पी आता है, तो पी को लिखा, फिर पी के बाद कौन आता है एस एस, और फिर लास्ट से लास्ट में वाई। आप समझे क्या हुआ, यहाँ पे एबीसीडी का लेटर का जो ऑर्डर होता है एबीसीडी में उसके हिसाब से लगा दिया गया, तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, हिस्ट्री को वही से आप बताइए इसमें से सबसे पहले कौन आने वाला है, सबसे पहले तो एच आने वाला है, क्योंकि एच 8 नंबर पे आता है, एच सब जगह है, उसके बाद कौन आएगा एस, के बाद आई आएगा, क्योंकि आई 9 पे है। कोई दिक्कत यहाँ पे, मैं ये ना कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब लगातार वाला टर्म नहीं खोज रहा, बस एबीसीडी में आपको पता है ना कि एच के बाद आई आता है, अब आप ये सब में से कौन सा है जो इस सब में आता है, यानी पहले इन सब में से सबसे पहले कौन आता है, यहाँ पे आप देखें एस 19 नंबर पे, 20 नंबर पे, ये 15 पे, 18 पे, और ये तो 25, यानी ये वाला हो गया, यानी एच आई ओ, ऑप्शन देखते हैं एच आई ओ, एच आई सब में एच आई ओ। उसके बाद अगला देखते हैं, वो आ गया ओ के बाद, आपको पता है 18 नंबर पे कौन आता है आठ बार आएगा, फिर कौन आएगा एस आएगा, ठीक है 19, फिर आपके बाद क्या आएगा पी आएगा, फिर वाई आएगा, सिंपल स्पीड में लगा देना है, बहुत ही मैंने आपको बताने के लिए तो टाइम दिया, तो एच आई ओ आर एस टी वाई, कहाँ पे एच आई ओ आर, आर यहाँ पे नहीं है, आर आर है लेकिन आर के बाद एस होना चाहिए, नहीं है, एच आई ओ आर एस वाई टी हो गया गलत, एच आई ओ आर एस टी वाई, यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ध्यान से देखेंगे, बहुत ईजी है, और अगर आप देखिए अगर बहुत स्पीड में सोचते हैं तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। आपको पता है कि इस सब में सबसे लास्ट में आने वाला है वाई, जहाँ पे वाई लास्ट में नहीं है उसको हटाइए, ये वाला आंसर अंतर पहले खत्म हो चुका था। कोई दिक्कत, क्लियर? इसी तरीके से आपको करना है और जल्दी में ही करना है, तभी आप आंसर को कर पाएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, यानी आपको बहुत कम टाइम में ही करना, मेन प्रॉब्लम है टाइमिंग का, ठीक है?
ध्यान से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप है जो हम लोग का, इस बार आपको क्या दिया है, कॉमन कोड करके। इसमें कुछ नहीं, आपको कोई लेटर्स लेटर कोड नहीं किया गया, आपको बस कुछ सिंबल्स के साथ कोड कर दिया गया, यानी आर ई एस ओ एन को इस तरीके से लिख दिया गया, ईयर को इस तरीके से, एन ओ टी को इस तरीके से लिख दिया गया है। कोई दिक्कत तो आपको बताना है कि इसमें से एंड का क्या होगा, आपको किसका बताना है, एंड का क्या होगा, यही करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को समझना होगा कॉमन सही में सब कुछ चल रहा है, हमको ये चाहिए, ये यहाँ ए को परसेंटेज की तरह लिखा गया, यहाँ ए को भी परसेंटेज की तरह, तो ए का तो पहला बात यहाँ परसेंटेज हो जाएगा। दूसरा चीज ध्यान से, उसके बाद एन, एन कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ और एन यहाँ भी, एन को बीटा लिखा गया तो हम भी बीटा लिखेंगे, और आता है लास्ट में टी, टी कहाँ पे, टी देखते हैं यहाँ पे है, एक ही जगह टी है, कोई बात नहीं, तो टी को कैसे लिखा गया, गामा, तो हम भी गामा लिखेंगे, यही हम लोग का आंसर हो गया, परसेंटेज बीटा गामा। कोई दिक्कत, सिंपल है, आपको बस मैंने बताया कि पैटर्न कौन से है, पैटर्न समझना उधर है, और बाकी बात ये टॉपिक बहुत ईजी है। अब आगे बढ़ेंगे नंबर कोडिंग के ऊपर, नंबर कोडिंग बहुत शानदार होता है, इसमें बहुत सारा टर्म्स बनते हैं और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट भी आते हैं, तो वो आपको और ज्यादा मजा आएगा करने में। इसमें लेटर्स कोडिंग में इतना ज्यादा दिमाग लगता है, बहुत ईजी है, या तो प्लस होगा या तो कुछ माइनस होगा, क्रॉस पैटर्न होगा, या फिर क्या करना होगा आपको, तो मैंने लास्ट बताया कि अपोजिट लेटर हो सकता है, पोजिशन बेस्ड हो सकता है, और लास्ट आगे देखेंगे नंबर कोडिंग बहुत शानदार है, इसको ध्यान से देखिएगा।